यू आर वॉचिंग BitBNS News। हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वोलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है। तो ये सुनिश्चित करें कि आप रोजाना क्रिप्टो समाचार देखें और अपने आप को अपडेटेड रखें। आज की हेडलाइन, डोक्वान ने साउथ कोरिया की फॉल्सहुड रिपोर्ट का जवाब दिया जिसमें उसने क्रिप्टो करेंसी में अपने $40 मिलियन को फ्रीज कर दिया था। 1.06 ट्रिलियन शीप कॉइनबेस में ले जाया गया। अक्टूबर 6 पर शीप गेम के लिए आधिकारिक डाउनलोड डे से पहले शीप बर्न रेट स्पाइक्स 1017%। डैनियल लियोन सेल्सियस के कोफाउंडर इस्तीफा देते हैं। क्रिप्टो खरीद के लिए न्यू ट्रस्ट लेवल पेश करने के लिए मास्टर कार्ड। द यूरोपियन यूनियन पहली बार रेगुलेटरी बिटकॉइन फ्रेमवर्क के पार्ट पर सहमत है। फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट ने $5 मिलियन के साथ न्यू एथेरियम इंडेक्स फंड लॉन्च किया। इटली ने बिना फेयर टेस्ट के 70 से अधिक क्रिप्टो फर्मों को रेगुलेटरी अप्रूवल प्रदान किया। डेब्रिज ने मोर सिक्योर ब्रिजिंग के लिए डीस्वैप लिक्विडिटी नेटवर्क की घोषणा की। अबुधाबी इनॉग्रेट करता है मिडल ईस्ट ब्लॉकचेन अवार्ड। एंड्रयू यांग एन एक्स US प्रेसिडेंट पद के कैंडिडेट कंसल्टेंट के रूप में Web3 प्लेटफॉर्म पूल डेटा में शामिल हुए। SEC क्रैकडाउन मल्टी मिलियन क्रिप्टो पोंजी टारगेटिंग लैटिनी इन्वेस्टर्स। द सागा ऑफ टेराफॉर्म लैब्स जिसके प्रभाव ने पूरे क्रिप्टोकरेंसी मार्केट को झटका दिया है, मीडिया का ध्यान आकर्षित करना जारी रखता है क्योंकि साउथ कोरियन और इंटरनेशनल अधिकारी प्लेटफॉर्म के CEO डोक्वान में अधिक रुचि ले रहे हैं। वेल अलर्ट ट्रैकिंग सर्विस ने बताया है कि पिछले 10 घंटों में वेल ने मार्केट कैप डोजकॉइन और शिबा इनु द्वारा बड़े पैमाने पर मेजर मीम कॉइन्स को हटा दिया है। यहां बताया गया है कि ये बेचने के लिए ट्रांजैक्शन क्यों हो सकते हैं। शिबर्न ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में शिबा इनु के सिक्कों को जलाने के रेट में पिछले 24 घंटे के ड्यूरेशन की तुलना में अनएक्सपेक्टेडली 1017% की वृद्धि हुई है, जब केवल 6 मिलियन शीप जलाए गए थे। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रबल्ड क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस के कोफाउंडर डैनियल लियन ने CEO और कोफाउंडर एलेक्स मशिंस्की के फर्म से हटने के एक हफ्ते बाद ही अपना इस्तीफा सौंप दिया। मास्टर कार्ड ने कार्ड इश्योर्स को क्रिप्टो खरीदारी के साथ आने वाले सिक्योरिटी रिस्क का असेसमेंट करने में मदद करने के लिए प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है। यह 2400 एक्सचेंजेस के ग्लोबल नेटवर्क को लक्षित कर रहा है। मास्टर कार्ड का क्रिप्टो सिक्योर साइफर ट्रेस की इनसाइट्स और टेक्निक्स को प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन के साथ इंटीग्रेट करता है ताकि कार्ड इश्यूअर क्रिप्टो एक्सचेंजेस या अदर सर्विस प्रोवाइडर के रिस्क प्रोफाइल का बेटर असेसमेंट कर सके और यह तय कर सके कि कौन सी क्रिप्टो खरीदारी को मंजूरी देनी है। EU क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन फ्रेमवर्क में मार्केट पर एक समझौते पर पहुंच गया है जो बताता है कि रीजन को क्रिप्टो सेक्टर में कैसे संपर्क करना चाहिए। दुनिया के सबसे लार्जेस्ट एसेट मैनेजर्स में से एक फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट ने एक नया इथेरियम इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन के साथ फंड रजिस्टर्ड पहले ही $5 बिलियन जुटा चुका है। गवर्नमेंट्स और रेगुलेटर्स ने क्रिप्टो करेंसी सेक्टर के लिए असाधारण रूप से सावधान और यहां तक कि स्केप्टिकल एटीट्यूड अपनाने के बावजूद इंडस्ट्री में उनकी आलोचना की। इटली क्रिप्टो कंपनीज के अधीन है जो अन्य देशों की तुलना में कम जांच के लिए अपनी धरती पर काम करने के लिए अप्रूवल की मांग कर रहे हैं।